असलम डे स्टूडेंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि विजुअल लिटरेसी क्या होती है और जब हमारे सामने एक पिक्चर बुक आती है तो हमें इसमें क्या देखना चाहिए डिज़ाइन के अतबार से ताकि हम समझ सकें कि इस किताब में क्या बताया गया है और इसके विजुअल कैसे हमें उसकी कहानी को कॉम्प्रहेंड करने में मदद कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि जो पिक्चर बुक्स हैं दे आर एक्चुअली सेंट्रल टू लर्निंग एंड एंगेजिंग चिल्ड्रेन टू रीड आज बच्चों की इंगेजमेंट को बढ़ाने में और उनको रीडिंग के साथ अप करने में उनकी रीडिंग को इन्हांस करने में पिक्चर बुक्स का बहुत ही अहम रोल है सो so, जब हम पिक्चर बुक्स बच्चों को दिखाते हैं और उनके साथ पढ़ रहे होते हैं तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये नहीं होती कि वो क्या देख रहे हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि वो क्या देख के समझ रहे हैं क्या विजुअल एस्पेक्ट्स जो हैं वो उनकी समझ के अंदर आ रहे हैं पिक्चर बुक्स में जितनी भी पिक्चर्स होती हैं वो नुआदी तौर पर बहुत आसानी से किताब के टेक्स्ट के साथ बच्चों को कनेक्ट कर देती हैं और बच्चों के लिए किताब को समझना बहुत आसान हो जाता है तो so, जब हम आप पिक्चर बुक की डिफरेंट किस्म के फ़ीचर्स की बात कर रहे होते हैं तो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आती हैं कि हम बात करते हैं कि पिक्चर बुक में शुरू में क्या हो रहा है बीच में क्या होने जा रहा है और एंड में क्या चीज़ें हो रही हैं इस तरह बच्चों को हमारी डिस्कशन से डिफरेंट किस्म के फ़ीचर्स के बारे में पता चलता है कि ये एलस्ट्रेशन में ये फ़ीचर्स हैं हम इन्हें पढ़ के हम इन्हें आइडेंटिफाई करके हम इन्हें ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि कहानी में क्या हो रहा है शुरू में क्या हो रहा था बीच में क्या हो रहा है और एंड में क्या होने जा रहा है आ, वो तमाम अच्छी किताबें जिनमें पावरफुल किस्म की पिक्चर्स जो हैं अवेलेबल होती हैं उनका सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये होता है कि वो बच्चों की इंगेजमेंट को कैच कर लेती हैं और बच्चे उनको पढ़ के हंसते हैं दे दे डिस्कस वो सवाल करते हैं और वो प्रोडिक्शंस करते हैं कि ये होने जा रहा है और वो उस किताब में जो कुछ होने जा रहा होता है और वो दुनिया के बारे में जो कुछ बता रहे होते हैं वो उसको एक्चुअली बहुत एंटरटेनिंग तरीके से इंटरेस्ट के साथ देखते हैं तो ये हाई क्वालिटी गुड पिक्चर बुक का एक क्राइटेरिया है कि बच्चों को उसको ज़रूर और ज़रूर इंजॉय करना चाहिए लेकिन बच्चों को ये सिखाने से पहले कि आप पिक्चर बुक को कैसे देखा जाए और पिक्चर से कहानी को कैसे इन्फर किया जाए आपको खुद पता होना चाहिए कि पिक्चर बुक के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनको देख के डिफरेंट किस्म के प्रोडिक्शन की जा सकती हैं तो हमारे सामने है फीचर्स ऑफ पिक्चर बुक डिजाइन सिर्फ बुक के डिजाइन से हमें किन चीज़ों के बारे में पता चलता है तो अगर ये विकेबलरी आपको आती है बच्चों को भी सिखा सकते हैं पहले आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ पिक्चर बुक अमूमन हम ये समझते हैं कि बुक के जो पार्ट्स हैं उसमें टाइटल पेज होगा कवर पेज होगा स्पाइन होगी आपके एंड पेपर्स होंगे लेकिन इसके अलावा भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं पहले आ रही है फुल ब्लीड एलिस्ट्रेशन दैट एक्सटेंड टू द वेरी एज ऑफ पेजेस, यानी वो तस्वीरें जो किताब के और सफ़े के बिल्कुल एजिस पे आ रही हैं उसको हम फुल ब्लीड का नाम देते हैं डबल पेज स्प्रेड यानी दोनों सफ़े खुले हुए हैं और एलस्ट्रेशन पूरे दो सफ़ों के ऊपर फैली हुई है तो दिस इज़ नॉन एज डबल पेज स्प्रेड गटर का मतलब ये है कि जहाँ आपकी किताब की बाइंडिंग होती है वहाँ पर क्या चीज़ मौजूद है अब वहाँ पर किस किस्म की तस्वीरें हैं और, और वर्सो है के रेक्टो कहते हैं राइट साइड पे आपकी पिक्चर्स का कौन सा पार्ट है और लेफ्ट साइड के पेज के बिल्कुल एक्सट्रीम पे आपकी पिक्चर्स का कौन सा पार्ट है दैट्स अ टेक्निकल लैंग्वेज एंड यू नीड टू नो अबाउट इट अगली चीज़ हम फीचर्स में देखते हैं बुक के डिज़ाइन में कि उसमें किस तरीके से ड्राइंग्स बनी हुई हैं उसका मीडिया क्या है क्या वो वाटर कलर में बनी है क्या वो फोटोग्राफ्स हैं और क्या वो कोलाज पेपर है क्या वो किसी और डिजिटल मीडिया से बनाई गई हैं क्या वो पेंसिल कलर के से बनाई गई हैं या वो मार्कर की सिंपल हैं हैं या वी नीड टू सी के द मीडिया देन चीज़ अगली आती है आपके फीचर्स में किसी बुक डिजाइन के वो है उसका ले आउट क्या है तो लेआउट के अंदर आपके आप पास किताब खुली है उसमें एक बड़ी सी तस्वीर है उसके अंदर हम देखते हैं कि इस पूरे पेज में या डबल पेज में करेक्टर्स कहाँ पे हैं उनकी प्लेसमेंट कहाँ है ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे हैं और किस तरीके से उन्होंने फ्रेम आउट किया हुआ है और आपके डिजाइन के एलिमेंट्स को इस्तेमाल किया हुआ है जैसे कि फ्रेमिंग क्या है वाइट स्पेस क्या है बैलेंस क्या है सिमेट्री कैसे की हुई है ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग कैसे की हुई है पेज का किस एंगल पे की हुई है नेक्स्ट वन इज़ टाइपोग्राफी टाइपोग्राफी के अंदर हमारे पास बहुत सी रेंज आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट रेंज आती है कि ट्रेडिशनल टाइपोग्राफी भी हो सकती है और एक्सपेरिमेंटल भी हो सकती है इंटरेस्टिंग साइज अवेलेबल है इंटरेस्टिंग शेप्स अवेलेबल हैं डिफरेंट कलर में टाइपोग्राफी हो सकती है डिफरेंट स्टाइल के फॉन्ट्स अवेलेबल हो सकते हैं और इस तरीके से जो है टाइपोग्राफी एक इंटरेस्टिंग फ़ीचर है हमारे सिर्फ बुक के डिज़ाइन का फिर अनयूजल डिज़ाइन फीचर्स हैं आप वो हम देख सकते हैं मिसाल के तौर पे कहीं बुक ऐसी तो है जिसको हम खोल रहे हैं और उसके अंदर पेजेस जो हैं उनकी कोई कट ऑफ डिज़ाइन है उनमें कोई पॉप आउट फीचर्स हैं कोई पॉकेट्स बनी हुई हैं या कोई उसके अंदर फ्लैप्स मौजूद हैं या कोई और इंटरेस्टिंग किस्म के फ़ीचर्स जो हैं वो उसके अंदर मौजूद हैं जो यूजली आम किताबों में मौजूद नहीं होते लाइन को हम देखते हैं इट्स अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर

फील आउट होती हैं और आपका लास्ट फीचर यहाँ पे आ रहा है कलर क्या है सो so, कलर का मेन मकसद ये होता है कि जो भी इलस्ट्रेशन में कलर इस्तेमाल होते हैं वो उस कहानी का मूड बता रहे होते हैं करेक्टर ऑब्जेक्ट का मूड बता रहे होते हैं रिएक्शन बता रहे होते हैं वो बता रहे होते हैं कि जगह खौफनाक है ये जगह डार्क है ये जगह बहुत लाइवली है ये जगह बहुत फन है ये जगह साइलेंट है ये जगह बहुत नॉइजी है ये जगह इन्जॉय करने की है तो so, आपकी कल्चरल सिम्बोलिक मीनिंग जो है वो भी हमारे कलर से डिबिक्ट हो रहे होते हैं जब हम रेड कलर दिखाते हैं तो ये चीज़ तो हमें लगता है कि इट इज़ डेंजर ये हमारे कल्चर सिम्बोलिकज है कलर्स के साथ ब्लू कलर जो है वो सैडनेस को दिखाता है वाइट कलर जो है उसकी कुछ और सिम्बोलिक मीनिंग है तो कलर हैव मीनिंग तो जब हम इन फीचर्स को समझ लेते हैं कि इन फीचर का मतलब क्या है तो आप खाली रिस्ट्रेशन देख के उस मैसेज को भी पढ़ लेते हैं जो बुनियादी तौर पर टेक्स्ट में मौजूद नहीं होती तो आपके पास एक कहानी है और इस कहानी को हम देख के ये देखते हैं कि हम किस तरीके से फीचर्स को देख सकते हैं कहानी का नाम है द न्यू स्मॉल पर्सन लॉरियन चाइल्ड ने लिखी है ये कहानी और इसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि फैमिली में एक नया बच्चा आया है और उस नए बच्चे के आने की वजह से जो पुराना बच्चा है वो कुछ डिस्ट्रेस फील कर रहा है और वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा उसको फ्रस्ट्रेशन भी है और टेंशन भी है सो so, इस कहानी के अंदर जो रेजिस्ट्रेशन हैं आप उनमें क्या देखेंगे या क्या देखा गया ये तमाम फीचर्स को सामने रखते हुए सो so, जो चाइ चाइल्ड है जिसका जो मेन करेक्टर है इट्स अ प्लेफुल इलस्ट्रेशन इन्वॉल्व हैंड ड्रॉन पिक्चर्स आज तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले उन्होंने ये देखा जो पिक्चर्स हैं अब वो कौन सी हैं क्या वो फोटोग्राफ्स है इसमें फोटोग्राफ्स का बिल्कुल आज इस्तेमाल किया गया है हाथ की ड्राॅइंगस का भी इस्तेमाल किया गया है अब पेपर जो हैं, वो है वो एक्चुअली कलर्ड हैं और उसके अंदर कर्वी लाइन भी इस्तेमाल की गई हैं और बैकग्राउंड में आपकी कलरफुल बैकग्राउंड भी आपको नजर आते हैं तो ये वो आइडेंटिफिकेशन है वो ये फीचर्स हैं जो आप सब बुक के डिज़ाइन के देखते हैं और अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस बुक की इलस्ट्रेशन आपको क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं